नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। पूर्व जन्म साप 17 की बात करते हैं और वर्तमान में जो बात होगी, इस पाठ में जो बात होगी वो मातृ साप की बात होगी। हम हमेशा इस बात को दोहराएंगे कि पाठ को क्रम से पढ़िए। हम हमेशा इस बात को दोहराएंगे कि आप लोगों को ज्योतिष में क्या कहा जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि मातृ साप या मातृ दोष आदि जैसे शब्दों को समझते हैं तो उसका क्या उपयोग है और जिस तरह से ज्योतिष बंधु उपयोग में लाते हैं क्या वो सत्य है या नहीं है, इसको समझने का जरूर प्रयास करना चाहिए। हमने इसीलिए साप के चैप्टर में कोई भी श्लोक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें कि कैसे होता है। और यहाँ एक शब्दों की पुनरावृत्ति है, वो है सुतच्छयः का मतलब क्या होता है, संतान की हानि होगी। अर्थात यदि मातृ साप है, पितृ साप है, भ्रातृ साप है तो ऐसे में संतान की हानि बताएंगे, अन्य कोई परेशानी बताना उचित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं लग्नात्मजेशो शत्रुस्थौ रंध्रे मातृधिपः स्थितः। श्लोक हम इसलिए लाते हैं और ये होरा पराशर का श्लोक है, कोई भी जाकर के वहां देख सकते हैं ताकि आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे मन में जो उपजे वही बोल जाऊं और वही एक योग हो जाए और वही एक दोष हो जाए, ऐसा हम नहीं बताना चाहते। तो यहां समझिएगा, कहते हैं लग्न, लग्न के स्वामी आत्मजेशो पंचम के स्वामी, आत्म मतलब संतान होता है। तो ये लग्न के स्वामी और पंचम के स्वामी कहाँ हो, शत्रु स्थान में हो, अर्थात इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी यहां स्थित हो, यहां स्थित हो। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब आप इसको ना ज्योतिष से समझने का प्रयास कीजिए। हमने पीछे बहुत सारे पाठ दिए हुए हैं, भावार्थ रत्नाकर भी आपको आगे आगे लेकर के चल रहे हैं, सबको समझने की जरूरत है। वहां से आपको समझ में आएगा कि पंचम भी कहाँ आया, छठे में, लग्न का स्वामी कहाँ आया, छठे में। तो क्या यहाँ छठे में आना अच्छा, नहीं अच्छा। अब उसके बाद क्या कहता है, मातृधिपः स्थितः कहाँ, रंध्रे, रंध्रे मातृधिपः, और रंध्र स्थान इस स्थान को कहते हैं, और ये चतुर्थ का स्वामी यदि इस स्थान में स्थित हो जाए तब समझ लीजिए कि लग्नेश कहाँ है, छठे में, पंचमेश कहाँ है, छठे में। मातृ स्थान, क्योंकि ये मातृ साप की बात हो रही है इसलिए मातृ स्थान की बात होगी। तो कहते हैं कि मातृ स्थान का स्वामी कहाँ चला जाए, आठवें में। अब ये कम्बिनेशन आप खुद ही समझ सकते हैं कि अच्छा है क्या, नहीं है। आगे फिर क्या लिखता है, पितृ नाश धिपो लग्ने। अब ये जो पितृ नाश धिपो है इस बात को समझिएगा। और पितृ दोष में मैंने बहुत जगह बताया कि होरा पराशर में दशम स्थान को लिख दिया गया पितृ स्थान और दशम स्थान से बता दिया गया, लेकिन यहाँ फिर उसी के आगे जब हम मातृ साप में आते हैं तो कहते हैं पितृ नाश धिपो। अब ये पितृ स्थान इसको मान रहे हैं और इसका नाश कौन बताता है, ये आठवां बताता है। पितृ नाश स्थान जो है ये आठवां हो गया, तो ये स्थान की बात हो रही। तो पितृ नाश अर्थात अष्टम के स्वामी कहाँ हो जाए, लग्ने, लग्न में हो जाए। तो मातृ सापात सुतच्छय, तो मातृ के साप से, माता के साप से और ये पूर्व जन्म के साप से हमारे संतान की हानि होती है या हमको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब जो हमने इसको बताया, इस चीज को हम बहुत जगह जो है बोले हुए हैं, आप लोगों को समझ में आता होगा कि अपवाद स्वरूप ही सही, नवम स्थान से ही पिता का विचार करेंगे। और इस श्लोक में जब हम ये देखते हैं लिखा गया कि पितृ नाश धिपो और आगे इसका अर्थ लिख दिया गया अष्टम के स्वामी लग्न में स्थित हों। अच्छा, यहाँ बहुत अलग से अर्थ भी और लगाया जाता है कि दशमेश और अष्टमेश,
तो दशमेश और अष्टमेश हम कैसे लिखेंगे? अगर पितृनाथ लिख लेते हैं तब तो समझ में आ जाएगा कि हम अगर अलग से दशमेश की बात कर लेंगे, लेकिन यहां क्या लिखता है, पितृनाशधिपो अर्थात अष्टम का स्वामी। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये दशम और अष्टम दोनों का स्वामी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो कुछ त्रुटि होती है, और इसको समझने के लिए आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो हमारा शास्त्र है उस शास्त्र को अनुकूल तरीके से आप लोगों के सामने रख दें। बाकी निर्णय आप लोगों को करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ हमने पितृस्थान नवम को हमेशा माना और पितृनाश स्थान अष्टम, तो यहाँ कुछ भेद हो जाता है। तो हम लोगों को आपस में बैठ करके इसको सॉल्व करना चाहिए कि अगर होरा पराशर में ये त्रुटि है, शब्द के संस्कार में हमें परेशानी है, तो इसको ठीक कर लें। लेकिन हम लोग क्या करने लगते हैं कि मातृदोष के लिए अब राहु चंद्रमा के साथ है तो ये वाला चीज चलने दो, इससे व्यवसाय अच्छा हो रहा है। तो चलिए इस पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो बहुत आराम से समझिए कि ये नंगी आँखों से समझ में आएगा कि लग्नेश छठे में हो, पंचमेश छठे में हो, और चतुर्थेश यदि अष्टम में हो जाए और अष्टम का स्वामी पलट के लगन में चला जाए तो साप ही साप माने, और मातृसाप यहाँ कहेंगे तो मातृसापात सुतच्छय। इसमें भी चंद्रमा राहु की बात नहीं आई, हम आप लोगों को दोहराएंगे क्योंकि सैकड़ों की हजारों के संख्या में वीडियो आपके सामने आएंगे। चंद्रमा राहु है, मातृदोष है, सुबह से शाम तक टीवी पर बैठ के लोग बोलेंगे कि चंद्रमा राहु है, मातृदोष है, आपको इससे बचना है। अगला देखिए, कहते हैं षष्टम अष्टमेशो लग्नस्थो, षष्टाष्टमेशो लग्नस्थो। यहाँ दो भावों का एक साथ उच्चारण है, छठे और आठवें के स्वामी कहाँ हो, लग्न में हो। अब आप ये समझिएगा कि ये हो गया छठा स्थान और ये है आठवां स्थान, ये आप जानते हैं, इसका स्वामी दोनों का स्वामी यहाँ हो जाए तो सिक्स और एट्थ लॉर्ड यहाँ हो गया। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन है क्या, अच्छा प्लेसमेंट है क्या, अच्छे जगह पे गया क्या। छठे और आठवें के लिए तो अच्छा हो गया, क्या लग्न के लिए अच्छा हुआ, नहीं हुआ। आगे कहते हैं व्यय मात्र धिपह सुतः, और जो एक दुख स्थान का स्वामी था ये व्यय स्थान का स्वामी, ये ट्वेल्थ लॉर्ड यहां बैठ जाता है। अब बचा कुछ क्या, इतना ही काफी हो गया, लेकिन इसके बाद भी बचा है कौन, गुरु ब्लेसिंग देने वाला और पंचम के कारक, संतान के कारक, और कौन, चंद्रमा चतुर्थ के कारक, माता के कारक। तो कहते हैं चंद्र जीवो पाप युक्तो, अब चंद्रमा और गुरु यदि पाप युक्त हो जाए, अब ये किसी स्थान में हो, किसके साथ हो जाए, पाप युक्त का मतलब क्या है, मंगल के साथ हो जाए, सूर्य के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, ठीक है राहु और केतु को भी आप मान सकते हैं। तो यहां सिर्फ राहु हो जाए या केतु हो जाए ऐसा तो लिखा ही नहीं, लिखा क्या है चंद्र जीवो पाप युक्त हो। तो मंगल शनि के, मंगल के साथ चंद्रमा, शनि के साथ गुरु हो जाए, मंगल गुरु साथ में हो, चंद्रमा के साथ हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, तब क्या कहेंगे, मातृसापात सुतच्छय। तो यहां पे हम लोगों को, हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं, यदि आप लग्न चतुर्थ पंचम गुरु चंद्रमा इनका विचार रख लेते हैं, कर लेते हैं अच्छी तरह से कि ये अच्छे स्थिति में है या नहीं, और इसमें से यदि तीन बुरे स्थिति में चले गए तो ऐसे भी आपको संतान से संबंधित परेशानी हो जाएगी। और इन दोनों श्लोकों में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या लिखा गया कि छठा आठवां बारहवां कितना यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरे श्लोक में था छठे आठवें का स्वामी लगन में बैठ जाए,
चतुर्थ स्थान में व्यय स्थान का स्वामी, तीनों दुख स्थान का स्वामी लग्न और चतुर्थ को प्रभावित कर देता है। और चूंकि हम मातृशाप पढ़ रहे हैं इसलिए चतुर्थ का विशेष महत्व होगा। अब कार्य ग्रह कौन? गुरु। किसके? पंचम के। और कौन चतुर्थ के कार्य ग्रह? कौन? चंद्रमा। और कहते हैं चंद्र जी वो पाप युक्त हो मातृशापात सुतक्षय। यदि ये दोनों ग्रह पाप से युक्त हो जाए तो मातृशाप के कारण संतान की क्षति होती है। अन्य प्रिडिक्शन करना है और भी कुछ बताना है तो उसके लिए आप अलग अलग कॉम्बिनेशन देखिए। संभव है कि ये व्ययेश चतुर्थ में आया है तो हम विदेश में जाकर के रहें, अष्टमेश और षष्ठेश लग्न में गया है तो हम बहुत अच्छे ज्ञानी विद्वानी सन्यासी भी हो सकते हैं, तो ये भी संभव है। हमको जीवन से वियोग की भी बात करेंगे, हमारे जीवन में कहते हैं ना कि विग्रह की बात करेंगे, अब धन की बात करेंगे, लगन से स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो ऐसे जातक छठे आठवें काल स्वामी लगन में है तो स्वास्थ्य में भी पीड़ा हो सकती है। हाँ, ये आपको समझना है मेषादि सभी भावों में कौन सा ऐसा षष्ठेश और अष्टमेश होगा जो लग्न को विशेष पीड़ित करेगा। तो ये सब तो पीछे हम लगातार आपको पाठ में बताते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमको लगातार सुनते हैं और समझते हैं उनको पाठ अच्छी तरह से समझ में आता होगा। आप लोगों के सामने जो हम पाठ लेकर के आते हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि ज्योतिष क्या है ये आप लोग फिर से समझिए। वर्तमान में ज्योतिष की व्याख्या कैसे की जा रही है उसको समझिए। शास्त्रों की रक्षा है, संस्कृति की रक्षा है, इसको करना जरूरी है। तो एक उद्देश्य ये भी है हमारा कि हम अपने संस्कृति की रक्षा करें और जो हमारा शास्त्र जैसा कहता है वैसा हम आपके साथ पास लेकर के आएं। और ये जो टोना टोटका अलग अलग तरीके का प्रयोग बताया जाता है उससे आपको हम बचा सकें। पाठ को लगातार पढ़ते रहिए, किसी भी तरह का संशय हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।